हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिक रेसिपी। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, साथ में खाने में बहुत ज़्यादा चटपटी और टेस्टी लगती है, सभी को पसंद आने वाली है। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड ली हैं। ये वाइट वाली ब्रेड है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल इस नाश्ते में कर सकते हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी से ब्रेड को कट कर लेंगे, तो गोल गोल सा शेप हमें चाहिए नाश्ते के लिए। जो किनारा है इसका भी इस्तेमाल इसी नाश्ते में हम आगे करेंगे, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। और जो बची हुई ब्रेड है उसे भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो सारी ब्रेड को मैंने कट कर लिया है, और अब जो साइड से ब्रेड का किनारा निकला है उसे हम एक मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया है। अब एक हम बड़ा सा बाउल लेंगे और बाउल में इस ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे सूजी। तो आधा कप सूजी मैंने ली है, लगभग 100 ग्राम के जितना। उसी के साथ चौथाई कप के जितना दही डाल दिया है, और आधा कप इसमें पानी डाल दिया है जिस कप से मैंने सूजी मापा था। साथ ही में एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, एक बारीक कटा हुआ गाजर डाला है, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है एक छोटा चम्मच, साथ में खूब सारा हरा धनिया इसमें डाल दिया है, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है, साथ ही में चौथाई चम्मच जितना गरम मसाला डाला है, एक चम्मच चाट मसाला डाल दिया है, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की ज़रूरत लगी तो हम आगे इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, लगभग चौथाई कप के जितना पानी इसमें और डाल दिया है। तो मैं तैयार करके दिखाती हूँ कि किस तरीके का बैटर हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो बैटर इसी तरीके का चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। अब गैस पे एक तवा रख दिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब एक ब्रेड पीस को लेंगे और इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेजवान सॉस और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके लगाया है। आप चाहे तो बस केचप लगा सकते हैं या फिर सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम जो सूजी वाला बैटर तैयार करके रखे हैं उसे 1 से 1.5 चम्मच के जितना डाल के और फैला देंगे किनारों तक अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से लगा के, और अब इसे हम तवे पे डालेंगे। तो पलट के हमें डालना है, जिस साइड हमने बैटर लगाया है उसे नीचे रखेंगे। अब ऊपर की साइड में भी हम उसी तरीके से 1 चम्मच इतना सॉस लगाएंगे, और उसके ऊपर भी हम वापस से बैटर फैला देंगे। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। गेहूं के आटे से बने हुए बहुत ही चटपटे और टेस्टी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी मैं डाल रखी हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। सेम तरीके से मैंने इस पर 3 डाल लिया है। एक बार में जितना आसानी से आ जाए उतना हम डालेंगे, और अब इसे हम कवर करके 2-3 मिनट तक पकाएँगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे जिससे कि अच्छे से पक जाएगा। 3 मिनट के करीब हो गया है, तो अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये जो ऊपर की लेयर दिख रही है वो सूख गई है। यदि ज़्यादा गीला लगे तो आप थोड़ी देर इसे और कवर करके पकाएं। 2-2, 3-3 बूंद के जितना इस पर वापस से ऑयल डाल दिया है, और अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे 2 मिनट और पकाएंगे जिससे कि नीचे से भी ये अच्छे से पक जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, खुला ही पकाएंगे जिससे कि ये क्रिस्पी हो पाएगा। तो बस 5 मिनट के जितना लगता है इसे सेकने में। यहाँ देखिए ये दोनों साइड से ही अच्छे से सिक गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी इसी तरीके से हम सेक कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है,
तो आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे सर्व किया है टमाटो केचप और मेयोनीज के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, पूरा नाश्ता फिनिश करके आएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।